तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीएस रैंक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, सीएस रैंक और बीआर रैंक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं। तो इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में मैं आपको सीएस रैंक भी बताने वाला हूँ और बीआर रैंक का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन भी बताने वाला हूँ। तो व्हाट्स अपनिंग गाइस, चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो सीएस रैंक आपको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन रखना चाहिए अलोक के साथ। अलोक 5 मिनट में 15% 30% एचपी बढ़ाता है 10 सेकेंड्स में, और 5 मिनट में मूवमेंट स्पीड बढ़ाता है 15%। तो हायटो रखना चाहिए, हायटो डैमेज को रिडक्स करता है और ऑफ मैक्स एचपी लॉस, मतलब उसके एचपी घटाता है ये कहता है। और मोको बंदे को अगर हम मारेंगे ना उसको निशान बन जाएगा। जेबिक्स आपको अलोक के साथ बहुत अच्छा, अलोक हायटो और अलोक, अलोक हायटो और जेबिक्स, ये तीनों कैरेक्टर मैचिंग थे। जेबिक्स क्या करेगा, अगर आपकी फुल ईपी रहेंगी ना तो वो अगर दूसरे ने आपको मारा ना तो वो ईपी को डैमेज ईपी एचपी को घटाने में ही, इसलिए वो कैरेक्टर है। तो बीआर रैंक के कैरेक्टर कॉम्बिनेशन पे आप ये रख सकते हो बीआर रैंक का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। सम पीपल आर प्रिजनर्स ऑफ देयर ओन माइंड। बीआर रैंक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन माइंड ओवर मैटर। मैं आपको भी बीआर रैंक का वन स्टेप क्लोजर टू एनलाइटनमेंट। तो बीआर रैंक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में रखना लिक्विटा, उसके बाद राफिल और हायातो और वुकोंग भी रख सकते हो और के भी रख सकते हो। मैं खासकर के से ही खेलता हूँ, मैं आपको मैच खेल के बताऊंगा। तो पहले वीडियो की ओर बढ़ते हैं। खेल के बताता हूँ पहली मैच कैसे खेली जाती है। तो मैं आपको पहली मैच खेल के बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाए बस। स्टार्ट करते हैं, मैं आपको सीएस रैंक खेल के बताऊंगा सीएस रैंक कैसे खेली जाती है। मैं आपको वन टैप भी मार के दिखाऊंगा वन टैप कैसे लगते हैं। तो पहले सेटिंग चेंज कर लीजिए, बाद में सेटिंग चेंज कर लूंगा, पहले खेल लेता हूँ। मैं आपको वन टाइम मार के बताऊंगा मैं कैसे वन टाइम लगाता हूँ। अबे सामने आ जाना मैं कुत्ते।
मार दिया। फ्री का हम एक पॉइंट देते थे, टेंशन मतलब फ्री के अगर उनने एक पॉइंट ले लिए फिर बाद में हम पॉइंट नहीं देते। पॉइंट हम किसी को नहीं देते।
तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। तो बाय गाइस, आज का वीडियो एंड होता है और टाटा सी यू। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं बीआर रैंक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ।